नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम मनोहर लाल, रुक करते वहीं का। छोटे लेवल पर ही कुछ सालों से मनाया जाता था। वास्तव में तो सन 2014 में जब प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र स्वयं आए थे, उस समय उन्होंने एक इस प्रकार का अपना वक्तव्य दिया था कि कुरुक्षेत्र में हमें कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के रूप में इसकी मान्यता दिलाने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न करने होंगे। तो 2014 जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस समय वहां आकर के जब बोले थे, उसी समय में ध्यान में आया था कि हम, क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में बहुत कम ऐसे स्थान विशेष हैं जिनको हम टूरिज्म के नाते, चाहे वो सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर अथवा अन्य स्थानों का विकास जितना होना चाहिए उतना हुआ नहीं है, तो कम से कम अपनी सांस्कृतिक राजधानी इस नाते से कुरुक्षेत्र को डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि गीता का एक जैसा एक विषय सारे देश और दुनिया में, जैसी हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास उसको बताता है, तो मान्यता बहुत अच्छी है और कोई चीज नेगेटिव नहीं है। तो गीता के बारे में तो मैं ऐसा वर्णन करता हूं कि जैसे अपना देश का संविधान है। संविधान के बारे में कई लोग टिप्पणी करते हैं कि हमारा शासकीय व्यवस्था चलाने के गीता है, यानी उसको गीता इस रूप में कहा गया कि जैसे एक नियमावली गीता की होती है, ऐसी नियमावली वो शासकीय व्यवस्था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और मैं अगर गीता को कहूं तो गीता इज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर वे ऑफ लाइफ, यानी गीता हमारे जीवन के पथ प्रदर्शक के प्रदर्शन के नियमों के नाते से हमारा एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका जो उल्लेख है हर क्षेत्र के लिए, उसमें व्यवस्था विधि ये बताई गई है। और स्वामी जी ने तो उसके ऊपर पुस्तकें भी लिखी हैं कि एक किसान के लिए गीता का संदेश क्या हो सकता है, एक विद्यार्थी के लिए क्या हो सकता है, अध्यापक के लिए क्या हो सकता है, एक गृहस्थी के लिए क्या हो सकता है। बल्कि एक समय मैंने थोड़ा सा एक उल्लेख कर दिया, मैं कहा स्वामी जी राजनीति में गीता का क्या उपयोग है, राजनीतिकों के लिए गीता का कुछ सार लिखो। और मुझे खुशी है कि अगले साल में स्वामी जी ने एक पुस्तक लिख दी, राजनीतिकों के लिए गीता का सार। वास्तव में बहुत एक मार्गदर्शक हर व्यक्ति के लिए है। तो इसके महोत्सव के माध्यम से देश और दुनिया में फैले। जैसा बताया कि 2016 में हमने पहले वर्ष इसका बड़ा शुरू किया था और करते करते इस बार 8वां ये उत्सव है। और इस बीच में 2019 में हमें पता है मॉरिशियस में, क्योंकि पहले तो विदेश के लोग आते थे, बाद में विदेश के लोगों ने हमें यानी आमंत्रित करना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ आइए और आयोजन करिए। तो 19 में मॉरिशियस में हुआ, 22 में कनाडा में हुआ, और अभी इस साल मॉरिशियस के साथ लंदन में हुआ, 19 में लंदन में भी हुआ, और अभी इस साल ऑस्ट्रेलिया में बनाने की योजना अप्रैल के महीने में वो सब बन रही है। और स्वामी जी ही ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और अभी अप्रैल में यूएसए में, तो यूएसए की ओर से निमंत्रण है। उस नाते से अब जहां जहां भारतीय मूल के लोग हैं वहां वहां से निमंत्रण खूब आ रहे हैं। श्रीलंका की ओर से बड़ा अच्छा निमंत्रण है, श्रीलंका की ओर से, तो ऐसे बाकी देशों से भी धीरे धीरे करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो उस नाते से जरूर ये विश्वव्यापी एक संदेश गीता का ये बनने जा रहा है। तो इस बार जो 8वां उत्सव ये होगा इस समय महोत्सव, और 7 तारीख से इसकी शुरुआत होगी। जैसे पहले एक सरस मेला लगता है जिसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के नाते, शिल्प और सरस नाते से बहुत से कलाकार अपने अपने प्रोडक्ट्स को, कृतियों को लेकर के वहां आते हैं, तो उनको वहां स्थान भी है, दुकानें हैं, वो सब दी जाती हैं, उसका एक सिस्टम है। 700-800 के लगभग वहां दुकानें हैं, उस पर वो आते हैं, लोग उसमें आना जाना शुरू करते हैं, बहुत से अपने उपयोग की चीजों को खरीदना भी शुरू करते हैं, कुछ सांस्कृतिक से, कुछ अलग अलग प्रदेशों की उसमें जब चीजें आती तो हमारा उनका एक कल्चरल संबंध भी बनता है, जुड़ता है। तो वो अभी 7 तारीख से शुरू हो रहा है 2 दिन के बाद, और 24 तारीख तक कुल मिलाकर के सारी चीजें चलेंगी। मुख्य जो ये उत्सव है 17 तारीख से शुरू होगा, 17 से लेकर के 24 तक वो जो 8 दिन है उसमें बड़े कार्यक्रम सभी होने वाले हैं। हर वर्ष हम एक उसमें कोई एक पार्टनर स्टेट, एक राज्य को अपना सहयोगी राज्य बनाते हैं। तो इस बार असम जो है वो हमारा सहयोगी राज्य है। असम के मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई थी, उनका ठीक है हमारी टीम भी वहां आएगी, व्यवस्थाएं करेंगे, और वो स्वयं भी किसी एक दिन वो जरूर आने वाले हैं, उनका कार्यक्रम तय होगा। तो उनका अपना पेविलियन भी होगा, उनके वहां के शिल्प, वहां का खान पान, वहां का रहन सहन, उस नाते से असम का इस बार प्रभाव वहां निश्चित रूप से दिखेगा।
उपराष्ट्रपति जी आ रहे हैं 17 दिसंबर को, उनकी सहमति मिल गई है तो उन्हीं के आगमन पर विधिवत प्रारंभ जो इस उत्सव का पूजन के गीता यज्ञ पूजन के साथ शुरू होगा। और उसी दिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी 17, 18, 19 ये 3 दिन की संगोष्ठी होगी और उसमें गीता के ऊपर जितने भी व्याख्यान वहां दिए जा सकते हैं, जितना लोगों ने अध्ययन किया हुआ स्कॉलर्स जो हैं उस संगोष्ठी में आकर के और वो अपनी ओर से विषय रखते हैं। हरियाणा का जो अलग से एक पैवेलियन बनता है हर बार, इस बार वो बनेगा। हरियाणा का लोक नृत्य है, हरियाणा का खान पान है, हरियाणा के जो विशेषताएं हैं वो दुनिया के लोगों को बाकी देश के लोगों को भी उसका सबकी जानकारी मिले तो उस नाते से एक प्रदर्शनी अलग से भी वहां लगाई जाएगी। इस सारे में भागीदारी जो है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR उनकी भी भागीदारी जो इसमें रहती है और उनको भी हमने बुलाया है, अपनी ओर से विषय लाएंगे। हर एक जिले में 3 दिन का गीता उत्सव का एक स्वरूप होता तो छोटा स्वरूप है, 3 दिन में शोभा यात्रा निकालते हैं, एक संगोष्ठी करते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन हर जिले के अंदर कहा जाता है। इस बार भी 2 दिन का है, 22 और 23 दिसंबर को सब जिलों में ये कार्यक्रम किए जाएंगे। हर दिन जैसे सायंकाल ब्रह्मसरोवर के ऊपर भजन संध्या होती है, गीता आरती होती है तो वो कार्यक्रम भी लगातार एक भव्य आरती हर दिन वहां होगी। उसका स्वरूप हर बार धीरे धीरे निखर करके आ रहा है, संख्या उसकी बढ़ रही है। दीपोत्सव उसका भी स्वरूप ये बड़ा होता जा रहा है तो ऐसा शाम को एक अच्छा कार्यक्रम हर दिन होता है। 22 दिसंबर को वहां पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन हर वर्ष होता है तो इस बार भी 22 तारीख को संत सम्मेलन होगा। जितने देश भर के संत हैं, विदेशों से भी कुछ लोग आते हैं, उनका एक सम्मेलन वहां रहता है, स्कॉलर्स भी आते हैं और संतों की भूमिका समाज में क्या हो, समाज के सुधार के लिए, समाज में जो फैलती कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए। जैसे हमने इस बार संतों से निवेदन किया था पीछे 5 मई को स्वामी जी उसमें आए थे, बाकी लोग भी, हमने हरियाणा में विशेष तौर पर नशा मुक्ति के लिए आह्वान किया था और मुझे बड़ी खुशी है संतों ने सबने कोई ना कोई किसी न किसी रूप में इन कार्यक्रमों को अडॉप्ट किया है कि हरियाणा में नशा कैसे रोक सके हम, ये खास करके जो मादक पदार्थों का सेवन ड्रग्स इसका एक बहुत बड़ा प्रचलन ऐसा होता जा रहा है, इसको रोकने के लिए भी मैं आशा करता हूं। मुझे पता तो नहीं है कि संत सम्मेलन विषय क्या क्या रखे हैं कि लेकिन एक विषय जरूर वहां उस दिन रखा जाए ऐसा मेरा स्वामी जी से निवेदन है। इस जो हमारा कुरुक्षेत्र है इसका जितने भी महाभारत के समय के स्थान है 48 कोस में ये स्थान फैले हुए हैं। अभी तक 134 स्थानों की एक सूची थी लेकिन 2 साल पहले और नए स्थानों की खोज भी हुई, इतिहास में साहित्य में बहुत चीजें लिखी हुई, 30 नए स्थान जोड़ करके अब वो स्थान 164 हो गए हैं। तो ऐसे 164 स्थानों पर भी वहां ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनी हैं, हर जगह पर सरोवर है, हर जगह पर मंदिर है, हर जगह पर विकास की चीजें चल रही हैं। KDB के माध्यम से बजट कुछ जो इनको देते हैं ये भी जहां आवश्यकता होती है वहां निर्माण कार्य कराते हैं तो उस दिन उन सब 164 स्थानों की जो समितियां हैं उनको भी बुला करके और एक सम्मेलन जो उनका 23 दिसंबर को ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में उनके समितियों के जो प्रतिनिधि आएंगे। और विशेष बात यह है कि उनको कहा गया कि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी और जल वो लेकर आए, बाद में ऐसा भी विचार है कि उस मिट्टी और जल से भगवान श्री कृष्ण जी की एक बड़ी प्रतिमा ये बनाई जाए और कुरुक्षेत्र में ही स्थापित की जाए, इस प्रकार का एक आह्वान उनको ये किया है। 23 को ही दोपहर के समय जैसा हर वर्ष करते हैं इस बार भी 18,000 बच्चे सामूहिक सांगिक गीता श्लोक उसका उच्चारण करेंगे और उसमें हाँ स्थानीय तौर पर तो होंगे ही, ऑनलाइन जुड़ा हुआ होगा कार्यक्रम, बाहर के लोग भी उसमें साथ जुड़ करके उसी समय वो या तो उसके दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं, सांगिक बोलना हो तो बोलवा भी सकते हैं, लेकिन स्थानीय तौर पर वहां मैदान में जो थीम पार्क है कुरुक्षेत्र का 18,000 बच्चे सांगिक गीता का श्लोक गीता पाठ ये सब करेंगे। सायंकाल के समय क्योंकि वास्तव में गीता जयंती 23 की ही है, 23 दिसंबर को गीता जयंती है, लेकिन एक नया इस बार एक परंपरा शुरू की है कि जिस सप्ताह में गीता जयंती होगी कार्यक्रम उस सप्ताह के रविवार तक चलेंगे, तो 24 को क्योंकि रविवार है इसलिए और लोगों का फुटफॉल ज्यादा आ जाए, बाद में भी लोग आते हैं तो कम से कम
बाकी चीजें उस दिन सामान्य कार्यक्रम होते ही हैं, गीता यानी आरती भी होती है, वो सरस मेला बाजार वो सारे लगे होते हैं, और उस दिन भी हमें उम्मीद है कि संडे रविवार होने के कारण से लोग काफी आएंगे। तो विधिवत तो गीता जयंती का दिन है 23 दिसंबर, लेकिन समापन इसका होगा 24 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को ब्रह्म सरोवर के ऊपर दीपोत्सव होगा, और उस दीपोत्सव में भी प्रदर्शनियां भी वहां होंगी और बड़े मात्रा में दीप जलाए जाए, तो उसकी संख्या तो कोई निश्चित किएगा नहीं, ये कोई अभी नहीं। क्या ये डीबी ने कुछ किया? 1 लाख के करीब दीप वहां जलाया जाए। अलग अलग संस्थाओं कहा जाता है, उनको घाट और उनका एरिया बांट दिया जाता है कि वो अपने एरिया में आकर के कोई 1,000 कोई 2,000 कोई 3,000 जितने दीपक वहां जलाना चाहें वो लाके अपने अनुयायियों को लाते हैं, या कुछ विद्यालय कॉलेज वो भी होते हैं अपने बच्चों को लाकर शाम को, और एक अच्छा दीपावली का जो माहौल होता है वो दीपोत्सव का कार्यक्रम 23 तारीख को होगा। एक ऑनलाइन गीता प्रश्नोत्तरी जो वास्तव में 26 नवंबर से शुरू हुई थी और वो 6 दिसंबर कल तक चलने वाली है, और उसके अंदर भी लगभग जो ऑनलाइन उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है 70,000 लोगों ने उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, वो उस अंदर भाग ले रहे हैं। अब उसका स्वरूप क्या है गीता प्रश्नोत्तरी का बताएंगे आप क्या है? उसमें ऑनलाइन माध्यम से भी स्टूडेंट्स के लिए और वयस्कों के लिए अलग अलग प्राइस रखे गए हैं, जिसमें 5-5 प्राइस दोनों के लिए रहते हैं, और पार्टनर स्टेट आसाम के लिए इसी तरह से दोनों के लिए अलग अलग, और तो ऐसे 20 प्राइस जो है वो प्रतिदिन रहते हैं। प्रतिदिन बहुत अच्छी बात है कि 26 से लेकर 3 तारीख तक जो गीता के श्लोक का भाग उसमें लेते हैं ऑनलाइन, तो उसको उनको साथ में ही डिक्लेयर करके उनको प्राइस बाद में भेजते हैं, ठीक है। इसी प्रकार इस बार एक गीता मैराथन ये भी कराई गई कुरुक्षेत्र के अंदर 3 तारीख को, उसका क्या परिणाम रहा? उसमें बच्चे पार्टिसिपेट किए, 1,000 टोटल पार्टिसिपेंट्स थे, तो उसमें 5-5 प्राइज उनके 31,000 21,000 और 11,000 और 1,100 के 4 पुरस्कार, तो ऐसे वनीला और पुरुष लोगों के अलग अलग 7-7 पुरस्कार। कराए गए दौड़ मैराथन दौड़ मैराथन दौड़ 5 किलोमीटर का, 20 के लिए और 10 के लिए। नहीं, वो तो पार्टिसिपेंट्स को बढ़ाने के लिए होता, नाम है गीता मैराथन, 5 किलोमीटर उत्सव के नाम पे मोबिलाइजेशन होती है, जैसे आखिर हम प्रदर्शनी भी लगाते हैं उसमें। 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए, और एक अब जैसे हर चीज का एक थीम होता है, हमने मैराथन कराई नशा मुक्ति के लिए भी कराई, हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाते एक पिंकाथन भी कराई थी, तो ऐसे ही सेफ ड्राइव ऑन रोड ये कराई थी, साइक्लोथोन कराया हमने 1 सितंबर से 25 सितंबर तक नशा मुक्ति के विरोध यानी उसमें नशा मुक्ति के फेयर में। तो इस प्रकार के अलग अलग जो ये कार्यक्रम होते हैं कई बार उसका थीम होता है, तो गीता महोत्सव एक थीम दे करके और गीता मैराथन, तो 10 किलोमीटर पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर महिलाओं के लिए, और उसमें प्राइज रखे, लोग खुशी से भाग लेते हैं। वास्तव में तो ये कार्यक्रम एक रिक्रिएशनल होते हैं, इनका कोई डायरेक्ट विषय के साथ वैसा जुड़ाव नहीं होता, लेकिन लोग आते हैं अपने जो रेगुलर दौड़ने वाले होते हैं वो भी आते हैं, ज्यादातर तो वही आते हैं जो प्रातःकाल सवेरे सवेरे बिना मैराथन के भी दौड़ लगाते हैं, ऐसे बहुत होते हैं शहरों में। कुछ लोगों का ये होता है कि दौड़ लगाएंगे कल को शारीरिक परीक्षा होगी, हमारी आर्मी में जाना है पुलिस में जाना तो उसे लाभ मिलेगा, तो सबके अपने अपने हेतु होते हैं, इसलिए दौड़ का आयोजन किया। पिछले साल से तय किया था और इस बार उसका अच्छा हमको लाभ मिल रहा है। अलग अलग संस्थाओं को कहा कि वो अपने प्रदर्शनियां लगाएं, अपने स्टॉल लगाएं, और वहां पर उनके संत महात्मा आकर के 3 दिन 5 दिन 7 दिन जितना रुकना चाहें वो रुके, उनकी व्यवस्था हम करेंगे, उनको एक स्थान देंगे और जो उनकी बिजली है या बाकी है व्यवस्था सारी करेंगे, लेकिन वो अपने अनुयायियों को आकर के जैसे हम कुंभ में देखते हैं सब संत महात्मा अपने अपने स्थान पर लगाते हैं तम्बू लगा लिया उनके अनुयायी आए बैठे, तो ऐसा उसमें जैसे खास करके संत कबीर संत रविदास महर्षि वाल्मीकि दिव्य ज्योति चिन्मया मिशन इस्कॉन 48 कोस कुरुक्षेत्र की अपनी एक संस्था भी बनी है, तो ऐसे सब संस्थाएं इन्होंने हमसे स्थान मांगा है और वो आकर के अपना अपना प्रदर्शनियां लगाएंगे, उनका आयोजन करेंगे। गीता पुस्तक मेला इसका भी एक आयोजन किया गया है जिसमें 25 से अधिक संस्थाएं हैं जो प्रकाशक हैं,
वो गीता को अलग अलग प्रकार से जैसे भी टिप्पणी लिखते हैं उसमें उसका सार लिखते हैं, अपने अपने प्रकार से वो उसमें पुस्तकों को वहां पर प्रदर्शन करते हैं। वहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, या जो लोग फन फेयर में भाग लेते हैं स्पोर्ट्स में, एरो स्पोर्ट्स, जैसे इस बार वो आया ना कि हमने पैसा उनसे लिया है बैलून वो तो पिजोर गार्डन नहीं, एक वहां भी कह रहे ना कि ठेका उठा है इस चीज का, झूलों का है, तो झूले भी अपने आप में वो भी फन फेयर ही है। तो ऐसे फन फेयर मेलों में ये समय तक चलते हैं, आज से नहीं चलते, प्राचीन समय से। जब छोटे होते थे तो दशहरा मैदान, दशहरे का जो मेला लगता था उसमें वो बैठ करके वो झूला झूलते थे, गोल चलते थे। तो ऐसे सब फन फेयर, इसका भी एक वहां व्यवस्था, पैराग्लाइडिंग इसकी व्यवस्था। अभी जो हॉट एयर बैलून की व्यवस्था तो केवल पिंजौर में की है, अब वो थोड़ा सा कॉस्टली है, इस नाते से इन मेलों में शायद उस प्रकार की नहीं उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन जो सामान्य झूले होते हैं वो झूले झुलाने वाले और वहां पर बैलून का भी सब किया है इस पर। कहां? यही कुरुक्षेत्र आया है कोई? हाँ, चलिए अच्छी बात है। वहां पर जो कलाकार हैं, रंगोली है, क्ले मॉडलिंग है, सांझी है, पॉट डेकोरेशन है, फैंसी ड्रेस है, झांकी, पोस्टर, पेंटिंग, इस प्रकार के भी जो कलाकारों के लिए एक व्यवस्था की गई कि वो अपनी कला के माध्यम से भी उसमें भाग लें। तो कुल मिलाकर आयोजन को धीरे धीरे और विस्तार दे रहे हैं, ताकि एक तो जितना ज्यादा विस्तार देंगे, जितना जो ज्यादा लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, उतना अपना छोटा मोटा बिजनेस व्यापार करने वाले लोग भी आते हैं। वो आते हैं तो कंट्रीब्यूशन उनका भी होता ही है, कई चीजों का हम ऑक्शन करते हैं। और धीरे धीरे अब ये मेला आत्मनिर्भर, यानी आर्थिक दृष्टि से, अपने खर्चे की दृष्टि से सेल्फ फाइनेंसिंग इसकी हो रही है। और ये पहला वर्ष ऐसा है कि जो अनुमान खर्चे का लगाया है उतना इसमें रेवेन्यू इनकम भी आने वाली है, ब्रेक इवन होगा, शायद केडीबी को इस बार कोई सहयोग ग्रांट आदि न देनी पड़े। वैसे हर वर्ष देते हैं, पहले वर्ष तो तीन चार करोड़ कितना पिछले बार 3.25 करोड़ था, साढ़े तीन चार, वो तो डिपेंड करता है कितनी व्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये सब बाद में लगता है। लेकिन इनके पास जैसा अब रेवेन्यू आया है, चाहे वो स्टॉल्स के पैसे आए हैं, चाहे जो फन फेयर का आया है, चाहे पार्किंग का भी ठेका उठा है, तो अब जैसे जैसे उनको इनकम होती है उस हिसाब से अगली बार ज्यादा आते हैं। तो इस बार जो आया उनका ठेका बढ़कर के आया है, तो हमें लगता है कि इस बार शायद अपने पैरों पर ये मेला खड़ा हो जाए। और मेले वास्तव में चलते भी तभी है लंबे जब अपने खर्चे को अपने आप निकालें। सरकार के प्रारंभ में शुरू करने में तो किया जा सकता है, आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान है, मुझे ध्यान में जब पहले 2 साल हमने शुरू किया तो विपक्ष के लोगों ने बहुत शोर मचाया, 100 करोड़ बताया 100 करोड़, लेकिन कुल मिला के हमारा 10-12 करोड़ रुपए का खर्चा पहले साल में हो गया था। अच्छा, उस साल पहला ईयर था, खर्च थोड़ा ज्यादा ही हुआ, हमें भी पता है, बाद में हमें अनुभव हो गया कि किस चीज का खर्चा करना, किसका नहीं करना, या किसका कम किया जा सकता है। तो कम करते करते वो 3-4 करोड़ तक ही खर्चा आ गया है। पिछली बार उसमें 1.25 करोड़ हमको डालना पड़ा था, इस बार मुझे लगता है कि केडीबी को उसमें कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। और हो सकता है कि धीरे धीरे इसमें से कुछ पैसा बचना शुरू हो जाए, और जैसे शीतला माता मंदिर, मनसा देवी मंदिर, वहां का पैसा उनके पास बचता है तो सामाजिक काम करते हैं। तो मेला अथॉरिटी सामाजिक कामों में कुरुक्षेत्र के डेवलपमेंट में पैसा लगा सकते हैं। आज तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड वो सहायता करता है, हो सकता है मेला अथॉरिटी कल को कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड को ही कुछ योगदान करे तो वो अपना विकास का काम कर सकते हैं। इसी के साथ एक चीज जो और बतानी है, वो मैंने स्वामी जी से बातचीत की है, वर्षों से बात तो वो चल रही है लेकिन वो फाइनल भी नहीं हो पाया था, कागजों में ही है, लेकिन इस बार उसको फाइनल करेंगे। एक इंडिपेंडेंट मेला अथॉरिटी ये बनेगी, जैसे हमारे तक कुंभ के मेले होते हैं, ऐसे वहां इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है। सरकार केवल व्यवस्था में एक मेला अधिकारी बना देते हैं, जहां जो सरकारी सेवाएं हैं उनमें कोई व्यवधान ना आए, जैसे म्यूनिसिपैलिटी की व्यवस्थाएं हैं, जैसे पार्किंग के लिए जगह चाहिए, जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई फोगिंग करनी है, या सेफ्टी की दृष्टि से कोई हमें डिप्यूट करना है, पुलिस को लगाना है, ट्रैफिक पुलिस को लगाना है, वो सारे काम सरकारी हैं, वो मेला अधिकारी करते हैं। और जो जगह उपलब्ध करानी है वो भी हम कराते हैं, कहीं योगदान करने की बात जितनी आती है वो हम करते हैं। लेकिन अथॉरिटी प्लानिंग अपने आप बनाए, अपने आप ही उसके सारे सिस्टम खड़े करे, जितना कम से कम हो उतना सरकार के ऊपर डिपेंडेंसी हो।
और वही मेला अथॉरिटी बाकी जिलों में भी अपने अपने जिलों के अंदर कोई स्वरूप खड़ा करके वहां कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि अपने में काम बड़ा है। अभी इस बड़े काम में मेले के साथ जुड़े हुए लोग और सरकार के साथ जुड़े हुए लोग मिलकर करते हैं। धीरे धीरे मेला अथॉरिटी इंडिपेंडेंटली सारे काम करे और खास करके उसमें एक विदेश में भी आयोजन बढ़े, उसके आयोजन करने के लिए भी एक विंग उसमें मेला अथॉरिटी बनाएगी अपना, ताकि विदेशों में भी जाकर के कार्यक्रम करने में वो सारी भूमिका निभा सकें। और ये मेला दिनों दिन उत्तरो उत्तर ये जो महोत्सव है ये अपना स्वरूप खड़ा हो और जनता के लोगों के जीवन का एक अंग बने। हमने इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी जैसे बसें हैं वो चलाएंगे, हर जिला हेडक्वार्टर से बसें चलती हैं, उसके ऊपर मेला स्पेशल जो होती है ये बसें होती हैं, उसका किराया भी शायद हम आता लेते हैं 50% किराया, वो अभी भी इस बार भी उसको बनाकर रखेंगे। वैसे तो अगले वर्ष जनवरी तक जो नई घोषणा मैंने की है कि गरीब परिवारों को भी उनको 1000 किलोमीटर बस सेवा फ्री हो जाएगी, उसके बाद फिर मेला मेले के नाम से नहीं वो तो वैसे ही फ्री आ पाएंगे और उस नाते से वो व्यवस्था अगले साल से लागू हो जाएगी। इस संबंध में जो कुछ स्वामी जी की ओर से विषय था कि मैंने जो रखना था वो आपके सामने रखा है, फिर भी कोई विषय होगा कितने बजे, कितने तारीख को, कितने तारीख को, 23 तारीख को 1 मिनट एक साथ गीता पाठ ये समाज में भी 11 बजे सब लोग करें, ऐसा एक आह्वान किया जा रहा है। उसके लिए प्रचार भी करेंगे ताकि सब अपने अपने चाहे घर पर करें चाहे जिस स्थान पर काम करते हैं वहां करें, लेकिन 23 तारीख गीता जयंती के दिन 11 बजे के समय सब एक साथ गीता पाठ, यानी एक मिनट एक साथ गीता पाठ। उसमें कितने श्लोक होंगे? तीन श्लोक होंगे। प्रथम श्लोक, मध्य श्लोक और अंतिम श्लोक। तो पूरे विश्व में ये आह्वान है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल सब जगह ये एक साथ 1 मिनट एक साथ गीता पाठ। जाओ जो जहाँ है, जो जहाँ है वही कर, केवल घड़ी देखे। एक 18 श्लोकी गीता जी के पाठ का लक्ष्य लिया गया था कि 125 करोड़ गीता जयंती तक हो जाए, जो 18 श्लोक थीम पार्क से भी होते हैं, 125 करोड़ का लक्ष्य लिया गया था गीता जयंती तक, वो कल तक 1,11,00,000 पाठ हो चुके हैं। तो गीता जयंती तक 18 श्लोक के 125 करोड़ पाठ हो जाएंगे। जियो गीता मोबाइल ऐप पे, मोबाइल ऐप वो लोग उसमें रजिस्टर करते हैं। कितने लोग रजिस्टर हुए? ये तो कई स्कूल्स में, विदेशों में, बहुत देशों में हो रहा है, कई प्रांतों में हो रहा है, बनवासी क्षेत्रों में हो रहा है, जहाँ जहाँ था सबको भेजे और सभी उत्साह से लगे। वो अपने आप जैसे मान लो एक समूह, एक ग्रुप पार्ट हुआ, मान लो कहीं 200 लोगों ने बैठ के किया सत्संग में, तो 200 गिनती ऐड। हाँ जी, मुख्यमंत्री जी कुरुक्षेत्र में एक कार्यक्रम